नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर दोस्तों आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा सुरमा और काजल लगाने से कौन कौन से फ़ायदे हैं दोस्तों आँखों की खूबसूरती बढ़ती है आँखों में काजल किस लिए लगाते हैं क्या फ़ायदा होता है संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें रेड कलर का बटन है उसे दबा कर आप सब्सक्राइब करें बाजू में एक बैल है उसे भी दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ धन्यवाद करता हूँ आपका जो आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं देख रहे हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें जी हाँ दोस्तों आँखों की रोशनी बढ़ती है यदि आप नियमित रूप से अपनी आँखों के लिए घर में बने काजल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ने में मदद मिलती है और आँखों की रोशनी जो है तेज़ हो जाती है आंखें बड़ी दिखती है छोटी आंखें ऐसी नहीं होता कि अच्छी नहीं लगती परंतु तो यदि आपकी आंखें बड़ी होती है तो इससे आपका लुक और बेहतर होता है इसलिए यदि आप चाहें चाहते हैं कि आपकी आंखें बड़ी दिखे तो नियमित रूप से से आप आंखों में काजल लगाएं खूबसूरती बढ़ेगी सूरज की किरणों के दुष्परिणाम से बचने में मदद करता है कई बार धूप के कारण आपकी आंखें लाल होने लगती है आंखों में से पानी आने लगता है लेकिन यदि आप अपनी आंखों में काजल लगाते हैं तो ऐसा करने से आपको सूरज की किरणों का बुरा असर यानी बैड इफ़ेक्ट आप अपनी आँखों पर पड़ने से रोक सकते हैं जिससे आपकी आँखें सुरक्षित रहने में मददगार रहेगी कीट पतंगों से बचाव करने में मदद मिलता है काजल लगाने से आप अपनी आँखों का कीट पतंगा से बचाव कर सकते हैं क्योंकि यदि कोई भी कीट पतंगा आपकी आँखों में घुस जाता है तो इसके कारण आँखों में दर्द होने लगता है वह पानी आने से आंखें लाल भी हो जाती है शिशु को नज़र से बचाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहले काजल को घर में ही बनाया जाता था और घर में बड़ी दादी या नानी इसे बच्चों के माथे पर या कान के पीछे लगाती थी और इस कारण इसका कारण ये था कि इससे बच्चे को नज़र नहीं लगती साथ ही यदि जन्म से ही बच्चे की आंखों में यदि काजल लगाया जाए तो इसके शिशु की आंख बड़ी और मोटी बनती है जिससे उसकी खूबसूरती बढ़कर आती है ये तो है कुछ फ़ायदे जो आपको काजल लगाने के साथ होते हैं आप सुरमा भी लगा सकते हैं काजल की जगह वो भी आपको इतना ही लाभप्रद करेगा अगर किसी स्त्री के चेहरे की सुंदरता का आकलन करना हो तो सबसे पहले ध्यान देना उसकी आंखों पर पड़ता है खूबसूरत आंखों पर अगर सुरमा लगा हो तो उसका आकर्षण और अधिक बढ़ जाता है सुरमा महिलाओं तो इस महिलाएँ तो इसे अपने आँखों की खूबसूरती बनाने में के प्रयोग में करती है लेकिन सुरमा पुरुष भी लगाते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये आँखों के विभिन्न रोगों को दूर करने में मदद करती है आँखों की दृष्टि में सुधार लाती है आँखों में मोतियाबिंद सबलबाई रतौंधी नाखूना पानी आ, आने समेत कई प्रकार की बीमारी के उपचार के लिए कई तरह के सुरमा सुरमा के फ़ायदे के बारे में हम सभी जानते हैं सुरमा आँखों व चेहरों की खूबसूरती को बढ़ाता है साथ ही साथ आँखों के कई तरह की बीमारी से बचाता है इसे आँखों की दवाई के रूप में भी प्रयोग किया जाता है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए नमस्कार जय हिंद